हाय, अगर आप मुझसे पूछोगे कि जो भी आदमी कमाई करता है, पैसे कमाता है, उसको क्या वो एक चीज पता होनी चाहिए, सो आई विल टेल यू दैट वन थिंग इज फाइनेंशियल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि हर साल जितने भी लोग जिनके पास पैसे हैं और वो गरीब हो जाते हैं, अगर आप चेक करोगे तो 75% लोग सिर्फ इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को संभालना नहीं सीखा। करेक्ट? सो माय नेम इज लोकेश और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने कमाए हुए पैसे से अमीर बन सकते हो, कैसे उस पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है? सो पहली चीज, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। जो भी आप पैसा अर्न करते हो, आप उसको इस फॉर्मूले के नजरिए से आपको देखना है। सबसे पहले सेव, सेकंड प्रोटेक्ट, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, एंड नंबर थ्री आपको उसको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगी आपको? ग्रोथ। नॉर्मली जो हमारे सोसाइटी में जो बताया जाता है, सिर्फ एक चीज बताई जाती है, सेव करो, सेव करो, सेव करो, सेव करो, बट नोबडी विल टेल यू यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस मनी, यू हैव टू अगेन इन्वेस्ट दैट सेव्ड मनी सो दैट इट शुड ग्रो। आपका पैसा आपके लिए ग्रो करना चाहिए ओवर द टाइम सो दैट यू शुड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। नाउ आप मुझसे पूछोगे, यार मैं तो सेव करता हूं पर प्रोटेक्ट कैसे करें? बैंक में रख दिया तो प्रोटेक्शन हो गया? नहीं, गलत है। बैंक में रखने से प्रोटेक्शन नहीं आता। आई टेल यू सिंपल स्टोरी। सपोज करो दो लोग थे, ठीक है, ए एंड बी। ए ने 1 लाख रुपीज बैंक में रखे हैं, बी ने भी 1 लाख रुपीज बैंक में रखे हैं। अब सपोज करो दोनों बाइक पे जा रहे थे, दोनों दोस्त हैं, दोनों बाइक पे जा रहे थे, बट कुछ अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब क्या होगा? ए का जो बिल आया वो 1 लाख का आया, बी का भी बिल 1 लाख का आया। आपको पता है एक्सीडेंट जब होते हैं तो बहुत सारे बिल्स आ जाते हैं अननेसेसरी। ए ने क्या किया? ए ने लिया हुआ था अपना इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। तो ए के मेडिकल इंश्योरेंस ने उसका पैसा भर दिया, बी ने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था, तो बी ने क्या किया? अपना बैंक से जो पैसा था निकाल के उसने भर दिया। सो अब बताइए, दोनों के पास शुरू में 1-1 लाख रुपए था, बट जब ये सिचुएशन आई एक्सीडेंट वाली, तो अब ए के पास अभी भी 1 लाख रुपया है, बट इसके पास कितना बचा? 0, 0। और ये 0 क्यों है? क्योंकि बी ने अपने पैसे को प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया। तो आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट कैसे करना है? आपको प्रोटेक्ट करना है कि जो भी ऐसे इमरजेंसी खर्चे आते हैं, आप उन सब चीजों के लिए उस तैयार रहे, ताकि आपका जो सेविंग मनी है वो ना जाए। आपको समझ में आया? सो आपको सबसे पहले सेव करना है, पैसे होने तो चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बाद उस पैसे को प्रोटेक्ट करना है। एक बार आप प्रोटेक्शन जोन में आ गए, अब उस पैसे को सिर्फ बैंक में नहीं रखना है, अब उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ आएगी। अब इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीकों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो? सो अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं इन्वेस्टमेंट के। जैसे कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप NPS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसके बाद फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट,
तो वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको एक्सक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना है. सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट. आप अपने स्टडी में, आप अपने लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड देन लास्ट इज शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. और इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है वो तेज ग्रो करती है, बहुत तेज ग्रो करती है. हम कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आपका आज का 20,000-30,000 अगले 15-20 साल में 1 करोड़-2 करोड़ भी बन सकता है कंपाउंडिंग इफेक्ट से. आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी. बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला क्या है? SPIG. SPIG क्या है? सेव. पी फॉर प्रोटेक्ट, संभालना. आई फॉर इन्वेस्ट करना. एंड जी फॉर उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.